कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश भाटी और आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन कहीं गुम हो जाता है या फिर कोई उसे चोरी कर लेता है तो आप उसकी करंट लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं, और साथ के साथ अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो उस बंदे का फोटोग्राफ भी आपको मिल जाएगा जिसके पास आपका फ़ोन है। तो दोस्तों, ये ट्रिक कैसे यूज़ करना है जानने के लिए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें ताकि सारे स्टेप आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप ये ट्रिक यूज नहीं कर पाओगे और नहीं पता कर पाओगे अपने फोन की करंट लोकेशन। तो दोस्तों, कैसे इसे यूज करते हैं इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर पर बड़े आसानी से मिल जाएगी। लेकिन याद रखें कि एप्लीकेशन का नाम देख के वीडियो को छोड़कर ना जाए, क्योंकि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें कुछ खुफिया सेटिंग करनी होती है जिनसे आपको अपने फ़ोन की करंट लोकेशन का पता चलता है और साथ साथ उस चोर की फोटोग्राफ भी आपको मिल जाएगी जिसके पास आपका फ़ोन होगा। तो सिंपली आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम आपको दिख गया होगा, लॉक वॉच इसका नाम है। ये एक थीप कैचर ऐप है, ठीक है, यानी कि चोर को पकड़ने वाली एप्लीकेशन। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी सेटिंग इसमें करनी होगी। तो सेटिंग के लिए आपको सिंपल देखिए हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इस पर सेंड अलर्ट ईमेल पे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ से परमिशन मांगेगा, उसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे एक आपको और सेटिंग करनी होगी जिसका नाम है एक्टिव डिवाइस एडमिन ऐप, तो इसको आपको कर देना है एक्टिव। ठीक है, एक्टिव करने के बाद यहाँ पे ये एक वार्निंग आपको देगा, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइमिंग चलेगी तो फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, फिर से आपको यहाँ पे टाइमिंग चलेगी, उसके बाद 5 सेकंड के टाइमिंग के बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट से कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ से कुछ परमिशन आपसे मांग लेगा, जैसे कि फोटो क्लिक करने के लिए आपके फ्रंट कैमरे की परमिशन मांगता है तो सिंपली आपको इसे अलाउ कर देना है। फिर आपके लोकेशन की परमिशन मांगता है तो इसे भी आपको अलाउ कर देना है। तो ये सब करने के बाद यहाँ से आपको एक ईमेल अकाउंट चूज करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जो आपके फ़ोन में ईमेल अकाउंट है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर चाहते हैं किसी और ईमेल अकाउंट पे तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन याद रहे, जिस ईमेल अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना है ये लोकेशन और फोटोग्राफ उसी ईमेल पर आपको सेंड करेगा, तो आप इसलिए अपनी खुद की ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद सिंपली कर देता हूँ इसे ओके। तो ये सब करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है। मान लीजिए कि आपका फ़ोन कहीं चोरी हो गया है या फिर कहीं गुम हो गया है, तो अब क्या होगा? आपके फ़ोन में पैटर्न लॉक हर किसी के फ़ोन में लगा होता है या फिर कोई भी पासवर्ड हर कोई लगा के रखता है, तो आपके फ़ोन में जैसे ही कोई भी बंदा आपके फ़ोन को लेगा और उसके लॉक को खोलने की कोशिश करेगा तो कम से कम एक बार वो गलत पासवर्ड ज़रूर डालेगा। जैसे ही वो गलत पासवर्ड डालेगा तो ये फ़ोन का कैमरा ऑटोमेटिक ऑन होगा और उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद वो फ़ोटो और उस फ़ोन की करंट लोकेशन आपकी उस ईमेल आईडी पे सेंड कर देगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, और आप वो ईमेल आईडी किसी दूसरे फ़ोन में खोल के या फिर किसी कंप्यूटर में खोल कर देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन किस बंदे के पास है या फिर किस बंदी के पास है, और साथ के साथ उसकी करंट लोकेशन कहाँ है, यानी कि वो फ़ोन अभी एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो अभी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली इसके लिए मैं सबसे पहले अपने फ़ोन का लॉक लगा देता हूँ। लॉक लगाने के बाद सिंपली मैं यहाँ से अपने फ़ोन का एक गलत पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो जिससे मेरा जो फ़ोन है वो अब ऑटोमेटिक फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, अब मैं अपना सही पासवर्ड डाल देता हूँ, तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसने मेरा फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे आपको आपकी मेल आईडी पे एक मेल करेगा और जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन किसके पास और उसकी करंट लोकेशन क्या है। तो सिंपली इसके लिए हम जाते हैं अपने जीमेल में, तो जीमेल को ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ऑटोमेटिकली एक ईमेल आ चुकी है, तो मैं इसे सिंपली ओपन करता हूँ। यहाँ पर टाइमिंग के साथ साथ आपकी लोकेशन और उस बंदे का फोटोग्राफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जो फोटोग्राफ है वो आ चुका है, और साथ के साथ मेरी करंट लोकेशन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। लोकेशन देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे यूजिंग दिस लिंक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप उस पर टैप करोगे तो यहाँ से आपको गूगल क्रोम पे खोल लेना है, और आपको यहाँ पे उस फ़ोन की करंट लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगी कि अभी वो फ़ोन कहाँ पे काम कर रहा है। तो इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके फ़ोन का नाम और उसकी करंट लोकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी कि वो कौन सी जगह पर काम कर रहा है, और साथ के साथ आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि वो कितने मिनट पहले एक्टिव था, अभी उसमें नेटवर्क कितने आ रहे हैं, उसकी बैटरी कितनी चार्ज है। तो यहाँ से आप उसका करंट लोकेशन इस तरह से पता लगा सकते हो कि वो अभी कहाँ पे काम कर रहा है।
तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन को खोने पे या फिर गुम होने पे उसकी करंट लोकेशन का पता लगा सकते हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों वीडियो के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख गया होगा तो जाइए जल्दी से कर लीजिए फॉलो। मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।